टीचर ने सारे बच्चों को खड़े रहकर क्लास में एक एक प्रश्न पूछा कि आप खड़े हो जाइए और बताइए आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। कुटन की बारी आई, कुटन खड़े होके कहा, मैं बाबू का घर का कुत्ता बनना चाहता हूं। आज की एक कहानी कुटन नाम का एक छोटा सा बालक का है। कुटन स्कूल में पढ़ता है, एक एवरेज स्टूडेंट है वो। एवरेज होने के कारण भी है, कारण इसीलिए क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स, वो किताब खरीद नहीं सकता, वो बेयरली स्कूल की फीस भर पाता है शायद, इसीलिए वो एक एवरेज स्टूडेंट रहा। कुटन के स्कूल में एक दोस्त है, उसका नाम बाबू है। बाबू बहुत अमीर घराने से आता है। बाबू बेंच पर बैठकर कुटन को कहानियां सुनाता है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है, इतना बड़ा मेरा रूम है, इतना बड़ा मेरा बाथरूम है। कुटन केवल और केवल इमेजिन कर सकता है। एक दिन कुटन हिम्मत जुटाकर बाबू को पूछता है, बाबू मुझे एक बार तुम्हारे घर तो ले चलो। तो बाबू ने कहा, नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा तुमको देख के निराश हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको घर नहीं लेकर जा सकता। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबू ने कहा, कुटन तुम मेरे घर में आना चाहते थे ना, मेरे घर पर आज कोई नहीं है, आओ मैं तुमको घर लेके चलता हूं। दोनों जन उनके घर गए। घर के गेट खुलते से ही वहां पे एक बहुत बड़ा पिंजरा था, उस पिंजरे में एक अच्छा छोटा सा कुत्ता था, कुत्ते का छोटा सा एक पिल्लू था। पिल्लू के सामने 6 प्लेटें रखी गई है, अलग अलग खानाएं, वेज नॉन वेज वो ये सारे पेडिग्री फूड सब कुछ रखा हुआ है। कुटन वही खड़े रहकर देखता रह गया कि इस कुत्ते को क्या क्या दिया जा रहा है यहां पर। कुटन उसके घर गया, देखकर आश्चर्यचकित रह गया। 3 दिन बाद स्कूल में एक इंस्पेक्शन था, एक बाहर से एक इंस्पेक्टर आया। टीचर ने सारे बच्चों को खड़े रहकर क्लास में एक एक प्रश्न पूछा कि आप खड़े हो जाइए और बताइए आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। कुटन की बारी आई, कुटन खड़े होके कहा, मैं बाबू का घर का कुत्ता बनना चाहता हूं, बस इतना ही बस है मेरे लिए जिंदगी में। टीचर एक सेकंड के लिए हैरान हो गया, ये कैसा जवाब। बाकी सारे बच्चों को प्रश्न पूछने के बाद उस दिन टीचर ने क्लास के बाहर कुटन को बुलाया। कुटन ने सारी बातें बताई, टीचर की आंखों में आंसू आ गए। टीचर ने कहा, मैं तुझे किताब लेकर दूंगा। और कहानी को अभी दौड़ाते हैं, ये टीचर उसे हर साल किताब लेकर देता है, सबसे बेहतरीन किताब लेकर 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 वो आगे बढ़कर दिल्ली में पढ़ाई करने जाता है। दिल्ली से वो लंदन पढ़ाई करने जाता है। लंदन में पढ़ाई करने के बाद जब वो रिटर्न अपने देश में लौट कर आ रहा था तो लंदन के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कुटन के हाथ में एक लेटर लिखा, एक लिफाफे में डाल दिया, सील कर दिया और कहा, जाओ और तुम जब रिटर्न जाओगे तो अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ये दे देना। कुटन नहीं जानता था कि इसमें क्या लिखा है। वो दिल्ली आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपॉइंटमेंट ली और नेहरू जी को ये खत दिया। नेहरू जी ने वो खत फाड़ कर देखा, पढ़ा है इसमें वाइस चांसलर ने लिखा है, ये बंदा जो तुमको ये खत दे रहा है इसे He has infinite qualities. इसमें अनंत क्षमता है, इसे साधारण किसी कॉलेज में टीचर बना के वेस्ट मत कर देना इसका करियर। He can be a gem to your India, to your country. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपने पास रखा और कहा, give me your number, contact details, I will contact you soon. और वो फिर केरल चले गए। केरल में वो एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाने लगे। एक साल बाद दिल्ली से एक खत आया, प्लीज कम टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम भारत को एज एन एम्बेसिडर रिप्रेजेंट करे बर्मा में। एंड ही बिकेम एन एम्बेसिडर फॉर इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन बर्मा। वहां से वो अनेक देश के रिप्रेजेंटेटिव बने इन टर्म्स ऑफ एन एम्बेसिडर। यहां तक कि बाद कुछ साल बाद वो फिर अपने लंदन के उस यूनिवर्सिटी में भी जाकर कुछ समय वहां पर बिताए, फिर भारत लौट आए। पंडित नेहरू ने कहा कि वी वांट यू इनटू द सिस्टम। यहां तक कि वो कांग्रेस के टिकट पर एमपी भी बने केरल से। ही बिकेम द
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला. कुछ साल बाद न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में एक हैरतअंगेज एडवर्टाइजमेंट, द फोटो ऑफ कुटन, एंड नीचे लिखा है केर आर नारायणन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमें क्या सीखने मिलता है? कठिनाइयों के साथ जूझना ही हमें, हम जो है वो बनाते हैं. सुख और संपत्ति हमें कभी कुछ नहीं बना सकती. जीवन के प्रत्येक चुनौती हमें मजबूत और संवेदनशील बनानी चाहिए. कठिनाइयां हमें बनाने के लिए आती हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं. हार्डशिप्स मेक अस व्हाट वी आर, लग्जरीज नेवर डू इट.